हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब भी कोई भी वीडियो देखते हो यूट्यूब पर और आपको वहाँ पे कुछ डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाता है और आप उस पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर डाउनलोड नहीं होता है, तो मैं अभी आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि कैसा लिखा आता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम यूट्यूब पर चलते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कुछ एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे वीडियो में, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसने लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता है। यहाँ पे यू नीड एक्सेस लिखा आ जाता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस मांग रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा आ जाता है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे? तो ये दोस्तों, जब हम अपना लिंक देते हैं किसी को, तब वो अपने जब हम अपना लिंक देते हैं किसी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए, तो वो उस लिंक से डाउनलोड नहीं कर पाता है और ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों, हमें एक गूगल ड्राइव का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वो ड्राइव का नाम से यहाँ पे आ गया है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर को लेना है जिस सॉफ्टवेयर को आपने शेयर कर रखा है लिंक, उसका लिंक जो आपने शेयर कर रखा है उस सॉफ्टवेयर को आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को ले रखा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ थ्री डॉट्स पे, और उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे हमें मैनेज पीपल एंड लिंक्स सेकंड नंबर पे आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन मैनेज पीपल एंड लिंक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, लिंक सेटिंग पे आपको दिख रहा होगा रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करना है वापस से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड और एनीवन विद द लिंक। ऊपर वाला ऑप्शन है दोस्तों जो आप खुद ही यहाँ पे यूज कर सकते हो, आपके जो लिंक शेयर किया है आपने वो लिंक कोई ओपन नहीं कर सकता है। अगर आप नीचे वाले पे क्लिक कर देते हो एनीवन विद द लिंक पर, तो यहाँ पे आप जो भी लिंक शेयर करोगे डाउनलोड का वो दूसरा यूज कर सकता है, उसे दूसरा देख सकता है। तो हम इस सेकंड नंबर पे क्लिक कर देते हैं। सेकंड नंबर पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको व्यूअर पे सिलेक्टेड रहने देना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एडिटर, कमेंटर, तो ये और एक आपका व्यू मिलेगा व्यूअर। तो यहाँ पे आपको व्यूअर पे क्लिक रहने देना है और ऊपर वाले पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं बैक और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अनियन विद द लिंक। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब पर जहाँ पे हमें जहाँ पे हमने वो लिंक शेयर कर रखा है, और हम उस लिंक को सभी के साथ में शेयर कर सकते हैं, कोई भी उस लिंक को ओपन करे तो वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को वो डाउनलोड कर सके। तो हम उस पर चलते हैं, यूट्यूब पे क्लिक करते हैं और अब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स, नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।